एबीएस पे। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पास पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन होता है वहाँ पे क्या होता है कि अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ एक्सॉन टर्मिनल। ओके, एक्शन पोटेंशियल आता है वो, तो उसके बाद क्या होता है कैल्शियम सोनल होती है वो ओपन होती है। ओके, तो क्या होता है कैल्शियम अंदर की तरफ आते हैं। ओके, तो अंदर की तरफ कैल्शियम आएगा। ओके, अब क्या होगा जो कि वेसिकल होगी, वेसिकल होगी क्या एसिटाइल कोलाइन रिलीज करेगी। ओके, तो एसिटाइल कोलाइन पास हो गई इसके थ्रू। ओके, उसके बोलते हैं हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद वो कहाँ पे आएगा तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे। ओके, तो अब क्या होता है यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसके साइड बाइंड होकर बनाएंगे एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अब क्या होगा ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। ओके, अब क्या होगा सोडियम चैनल ओपनिंग होगी, सोडियम अंदर की तरफ आएगी। ओके, तो क्या होगा EPSP का डेवलपमेंट होगा। EPSP यानी एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ओके, तो अब क्या होगा क्योंकि अब जो इनिशियल सेगमेंट बचा है एक्सॉन का वहाँ पे भी सोडियम चैनल की ओपनिंग होगी। ओके, और इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम चैनल। ओके, तो यहाँ क्या होगा एक्शन पोटेंशियल डेवलपमेंट होगा और लास्ट में क्या होगा स्प्रेड एक्शन पोटेंशियल थ्रू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ओके।